पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण का मतदान, 44 सीटों पर वोटिंग। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की आज राज्यव्यापी हड़ताल। प्रदेश में बंद 7,000 पेट्रोल पंप, राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ रहे हालात, सीएम ठाकरे ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना कारण बॉम्बे हाईकोर्ट में आज से 18 अप्रैल तक अवकाश। राजस्थान में एक बार फिर सियासी बाड़ेबंदी, असम से जयपुर लाए गए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, होटल फेरमाउंट में ठहरे, आज आ सकते कांग्रेस के विधायक। देश में बेकाबू हुआ कोरोना, बीते 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 1,46,467 नए केस, जबकि 679 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यूपी में भी गहराया संकट। प्रदेश में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,970 नए मरीज, 12 मरीजों की गई जान। जयपुर में मिले सबसे ज्यादा 767 नए मरीज। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने उड़ीसा इतिहास का हिंदी वर्जन किया लॉन्च, डॉक्टर हरेकृष्ण मेहताब ने लिखी है किताब। पीएम ने कहा इतिहास होता है भविष्य का आईना। बंगाल में चौथे चरण का जोर, आरोपों का शोर। कोलकाता में अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तीनों चरणों में जीत रही बीजेपी, बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। कोरोना संकट पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोला वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। वैक्सीन के लिए सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, टीका उत्सव का किया समर्थन, साथ ही प्रदेश के लिए 30 लाख वैक्सीन की मांग। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, कोलकाता के चेतल इलाके में घटना के में हुआ केस दर्ज। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का एक और नोटिस, केंद्रीय बलों को लेकर दिया था बयान, ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत आरोप लगाने के मामले में चुनाव आयोग ने ये नोटिस भेजा है, ममता को आज देना होगा जवाब। भाषण में सांप्रदायिक लहजा होने को लेकर फंसे शुभेंद्र अधिकारी, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। भाकपा की केंद्रीय समिति की सदस्य कविता कृष्णन की शिकायत पर नोटिस, 29 मार्च को नंदीग्राम में नफरत भरा भाषण देने का आरोप। मुंबई में वैक्सीन की भारी कमी, 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद, जानकारी के मुताबिक मुंबई में सिर्फ 40 से 50 हजार वैक्सीन की डोज बची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लोगों में डर फैलाने का काम बंद हो, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकार कर रही अपनी नाकामी छिपाने और पैनिक फैलाने की कोशिश। यूपी में कोरोना से जंग तेज, सीएम योगी ने स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जिले के दौरे पर भेजा, तो खुद सीएम योगी कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन ब्लड क्लॉट की शिकायत पर भारत सतर्क, शीर्ष समिति कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाए जाने के बाद दुष्प्रभाव से संबंधित आंकड़ों की करेगी समीक्षा। मुंबई भोपाल समेत देश के कई शहरों में लॉकडाउन, दिल्ली यूपी में जारी है नाइट कर्फ्यू, बता दें कि मुंबई पुणे और नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन, जबकि रायपुर में 10 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई जांच की मंजूरी, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने फैसले पर जताई खुशी, तो ओवैसी बोले दोहराया जाएगा इतिहास। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा उस समय राजनीति करने का नहीं है, केंद्र सरकार से राज्य को जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। एनएसयूआई स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश स्तरीय समारोह का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित दिग्गज नेताओं ने की शिरकत, सीएम गहलोत बोले मेरे दिल के नजदीक है एनएसयूआई। पुजारी की मौत के मामले में जारी है बवाल, सिविल लाइंस फाटक पर बीजेपी और विभिन्न ब्राह्मण संगठनों का धरना। निगम ग्रेटर जयपुर मानसरोवर जोन की बड़ी कार्रवाई, 2 नामी निजी कोचिंग सेंटर्स को किया सीज, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर की कार्रवाई। महारानी एलिजाबेथ 2 के पति प्रिंस फिलिप के 99 साल की उम्र में निधन, तो द रॉय फैमिली ने ट्वीट कर बताया कि विंडसर कैसल ने उन्होंने अंतिम सांस। आईपीएल 14 में आरसीबी की धमाकेदार शुरुआत, डिविलियर्स के दम पर मुंबई इंडियंस से छीनी जीत।